बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाबी अदा फरमाए। तो आज मैं फिर अपने पैरट आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, आज बारिश हुई थी और ये मैंने तकरीबन दो दिन पहले बारिश हुई थी तब का क्लिप था जो मैंने आज जो है ना इसको अपने वीडियो के साथ जो है ना मंसलिक किया है। तो बारिश हो रही थी ना तो ये बहुत खुश होते हैं बारिश के साथ। जैसे हम लोग बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, तो इसी तरह ये परिंदे भी जो है ना ये भी बहुत चहचहाते हैं और खुश होते हैं। तो ये इनको मैं छत के ऊपर लेके आई थी ताकि ये भी ज़रा फ्रेश हवा और बारिश का मज़ा ले लें। तो माशाल्लाह से बहुत ही खुश हो रहे थे ये। और ये देखें, आज फ्रेश फ्रेश भी लग रहे हैं। जब गर्मी होती है ना फिर ये भी इनका भी बुरा ही हाल होता है। तो फिर मैं कभी इनको कमरे में कूलर के आगे या पंखे के तो इस तरह मैं इनको रखती हूँ ताकि ये इनको गर्मी ना लगे। तो बस मौसम जो है ना, गर्मी तो जून का महीना है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा, लेकिन दो तीन दिन पहले जो गर्मी पड़ी थी ना तौबा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और बारिश की वजह से मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है। तो पैरट देखे फिर उसके बाद मैं किचन में आई तो मैंने बनाए हैं आज टिंडे और चिकन। चिकन थोड़ा सा बड़ा हुआ था और टिंडे भी जो है ना बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते, पसंद नहीं है बच्चों को, तो लेकिन मैं बना लेती हूँ तो फिर उनको कहती हूँ कि आप टिंडे ना खाएं, तो बस हल्का सा शोरबा बना लेती हूँ तो बस उसके साथ उनको कहती हूँ आप खाएं, ताकि थोड़ी सी आदत तो पड़े बच्चों को सब्ज़ियाँ खाने की। मेरे घर में ज़्यादा शौक से भिंडी और ये खाते हैं, सर्दी वाली जो सब्ज़ियाँ ना वो तो सारी खाते हैं, गर्मियों में जो है ना वो कम खाते हैं। करेले भी जो है ना वो भी गोश्त में करेले अगर पकाऊँ काट के तो वो खा लेते हैं, अगर कीमे वाले करेले हों तो वो भी खा लेते हैं। तो बाकी अरबी ये बाकी जो सब्ज़ियाँ ना वो कम ही मैं पकाती हूँ और वो खाते भी नहीं हैं। अपने लिए मैं पका लेती हूँ लेकिन बच्चों के लिए जो है ना वो नहीं। तो इधर मैंने टिंडे और गोश्त मेरे बन गए थे और तकरीबन मैंने इसमें टिंडे डाल लिए थे और टिंडे बहुत ही प्यारे थे ना, छोटे छोटे थे और बहुत ही मज़े के थे। मुझे तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो बाकी बच्चों को तो काम ही पसंद करते हैं ये। तो फिर उसके बाद बच्चों की छुट्टियां हुई हुई हैं तो अब इनका जो है ना, इसमें मैं हल्का सा पानी डालूँगी ताकि शोरबे के साथ जो है ना बच्चे खा लें। तो इधर देखें, ये बच्चे जो है ना अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। एक घंटा दो घंटे मैं इनको बैठाती हूँ कि अपना होमवर्क कर लें, पढ़ लें, फिर एकेडमी से आगे तो फिर ये फ़ारग होते हैं, फिर उसके बाद इनकी मस्तियाँ देखें। ये मेरे दोनों छोटे बेटे हैं और ये जो इधर साइड पे खड़ा है ये मेरे देवर का बेटा है, ये भी मेरे पास ही रहता है, इधर ही पढ़ता है हमारे पास रह के, क्योंकि ये गाँव में रहते हैं इसलिए फिर मैं इसको अपने पास ले आई थी कि ये भी इधर पढ़ेगा। तो ये मेरे छोटे देवर का बेटा है। तो ये दोनों छोटे जो है ना, ये दोनों मेरे बेटे हैं। तो ये देखें, वो जो है ना जिसने शर्ट उतारी हुई है वो सबसे छोटा है। तो बस मस्तियों में लगे रहते हैं, छुट्टियां हैं ना तो अब बस बच्चों की या मुझे ये कहते हैं मामा हमें बाहर ले जाएं, पार्क में चलें, हम चलें चिड़ियाघर में चलें या कहीं भी हमें ले जाएं, बस इस तरह। तो गर्मी में मेरा दिल ही नहीं चाहता ना बाहर निकलने को, कभी जब मौसम सही हो तो फिर मैं निकल जाती हूँ लेकिन जब गर्मी ज़्यादा होती है फिर मैं नहीं निकलती। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तकरीबन मेरी जो सेहत थी ना अब थोड़ी सी संभली है, तो इंशाल्लाह अब रोज़ ही जो है ना व्लॉग मैं बनाया करूँगी और अपलोड किया करूँगी। वैसे तो मैं आप लोगों की वीडियो तो मैं देख ही रही थी और बाकी अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह।